मोहम्मद फरहान, जोरदार क्लैप की आवाज में मोहम्मद फरहान। आज का दिन बहुत अहमियत का हामिल है क्योंकि आज के दिन यानी 9 नवंबर 1877 को एक अजीम हस्ती की पैदाइश हुई जिनका नाम डॉक्टर अलम इकबाल रहमतुल्लाह अलैह जो कि हमारे कौमी शायर हैं, जिनकी एक नज़म आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा कर, हो जाएगी तेरी मुश्किल आसान पढ़ा कर। पढ़ने के लिए अगर तुझे कुछ ना मिले, चेहरों पे लिखे दर्द के उन्वान पढ़ा कर, लारैब तेरी रूह को तकीन मिलेगी। तू कर्ब के लम्हात में कुरान पढ़ा कर, आ जाएगा तुझे इकबाल जीने का करीना। तू सरवर कौनैन के फरमान पढ़ा कर, खुदी को कर बुलंद इतना के हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। अलामा मोहम्मद इकबाल 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। आप पाकिस्तान के कौमी शायर हैं, इसलिए उनकी याद मनाने के लिए हम कुछ शायर पेश करना चाहते हैं। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या ला हो कलम तेरे। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। दरबार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नया सुबह शाम पैदा।